यार लॉकडाउन में कहाँ से गिटार ऑर्डर करें। मेरे को ये गिटार खरीदना है, क्या आपने ट्राई किया हुआ है क्या? ये गिटार मेरे को कहीं नहीं मिल रहा पर ऑनलाइन मिल रहा है, क्या इसे ले सकते हैं? सेल चालू है, मैं ऑनलाइन गिटार ऑर्डर कर लूँ क्या? यार सेल खत्म हो रही है, क्या मैं ये गिटार को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ? ऐसे कई सवाल मुझे हर रोज पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसका एक वीडियो ही बना लेते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज साल मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गिटार ऑनलाइन परचेज करना एक सही ऑप्शन है, एक सेफ ऑप्शन है। लेट्स बिगिन। इसके लिए मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इन द ईयर 2019, जो है पिछले साल, मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक गिटार चाहिए, सेमी अकूस्टिक गिटार चाहिए था मुझे। एंड उस टाइम में मैंने अपने आसपास के कई स्टोर्स में जाके रिसर्च किया एंड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पहले से डिसाइड किए हुए थे कि मुझे क्या क्या चाहिए गिटार में, मेरा बजट क्या है एंड ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ मैंने निकाली हुई थी। बट मुझे मेरी पसंद का कोई भी गिटार मिला नहीं, या तो कभी गिटार आउट ऑफ स्टॉक होता था, या तो जो गिटार अच्छा है उसमें कोई डिफेक्ट होता था या आउट ऑफ बजट होता था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि वेट और नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग गिटार में और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी जो अकूस्टिक गिटार था। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऑनलाइन परचेज कर लेना चाहिए। तो एक लिस्ट के हिसाब से मैंने ढूंढा और मुझे एक गिटार पसंद आया एंड मैंने ऑर्डर फाइनली कर दिया है। एंड मैं उसी गिटार की बात करूँ जो आपने कई सारे मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पर भी देखा होगा एंड रिजल्ट आपके सामने है। अगर मेरी माने तो मुझे ये गिटार काफ़ी सही लगा एंड काफ़ी सही बजट में भी आया है मेरे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। एंड मुझे लगता है कि ऑनलाइन परचेज करना मेरे लिए इस बात के लिए सही था। सो आप में से कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे गिटार कौन सा है और कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। सो एक आसान तरीका और एक डिफ़िकल्ट तरीका दोनों है। पहला तरीका है कि इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे अटैच किया हुआ। दूसरा, अगर आप अपनी खुद की रिसर्च करना चाहते हो तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आप एक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और एक सही प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, जब भी आपको एक गिटार डिसाइड करते हैं, डिसाइड सबसे पहले करिए आपका बजट क्या है। एक अच्छे अकूस्टिक गिटार की प्राइस रेंज 7 से 8 हज़ार से शुरू होती है, उससे कम भी हो सकती है अगर कोई सेल्स हो, जैसे कि अभी आई थिंक अमेजोन पे चल रही है, थोड़े लकी हो तो आपको थोड़े और सस्ते में मिल सकती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक गिटार के लिए बजट अगर ढूंढा जाए तो यूजली इलेक्ट्रिक गिटार अच्छे रेंज में आते हैं, 12 हज़ार 13 हज़ार से ऊपर, एंड उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। पॉइंट नंबर टू है बॉडी ऑफ द गिटार। अब जब सेमी अकूस्टिक या अकूस्टिक गिटार देखते हैं, मेनली गिटार के दो साइजेस हो सकते हैं, या तो मीडियम गिटार या तो हो सकता है जंबो गिटार साइज, और इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस ऑफ शेप है। बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा शेप के लिए आप जा रहे हैं और साइज डिसाइड कर लें। सिमिलरली इलेक्ट्रिक गिटार अगर आप ले रहे हैं तो अगेन आपको ये देखना है कि जो साइज है ऑफ द फ्रेट बोर्ड वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, या तो 22 फ्रेट्स होंगे या 24 फ्रेट्स होंगे। पॉइंट नंबर थ्री है फॉर एन अकूस्टिक गिटार स्पेसिफिकली, अगर आप एक अकूस्टिक गिटार ले रहे हैं डिसाइड करते हैं कि उसमें पिकअप भी होना चाहिए, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप पहले से एक सेमी अकूस्टिक गिटार ले लें एंड इस सेमी अकूस्टिक गिटार में EQ नॉब्स होने चाहिए एंड अगर एक इनबिल्ट ट्यूनर है तो और भी अच्छी बात है। और यही बात जब हम इलेक्ट्रिक गिटार पे अप्लाई करते हैं तभी आपको ये देखना है कि जो गिटार के पिकअप्स है क्या वो सिंगल कॉयल है या हम्बकर्स है। सिंगल कॉयल पिकअप्स ज़्यादातर क्लीन साउंड के लिए अच्छे होते हैं और हम्बकर्स ज़्यादातर लाउड डिस्टॉर्शन टोन्स के लिए अच्छी होती हैं। सो आपके गिटार में 2 या 3 पिकअप्स जनरली होंगे और आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपके गिटार में कितने पिकअप्स चाहिए और कौन से पिकअप्स चाहिए। पॉइंट नंबर फोर है एक्सेसरीज। जब भी आप एक अकूस्टिक गिटार लेते हैं तो आपको गिटार स्ट्रिंग्स स्पेयर ले लेनी चाहिए साथ में, और साथ में गिटार पिक्स की भी ज़रूरत होती है। सो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ले लेने चाहिए कुछ पिक्स। इसके अलावा अगर आपका गिटार सेमी अकूस्टिक है तो आपके लिए ऑप्शनल है टू बाय एन एक्स्ट्रा गिटार केबल और एक गिटार एम्पलीफायर भी ले सकते हैं आप। फ़ायदा होता है ये कि आप इस एम्पलीफायर और केबल को इलेक्ट्रिक गिटार में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक गिटार के लिए आपको कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी एक्सेसरीज में। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक गिटार स्ट्रिंग्स। इलेक्ट्रिक गिटार स्ट्रिंग्स अलग होते हैं फ्रॉम अकूस्टिक गिटार एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े लाइटर गेज स्ट्रिंग्स खरीद सकते हैं। दूसरी बात है गिटार पिक्स। अगर आप कोई डेडिकेटेड गिटार पिक्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी सही है इलेक्ट्रिक गिटार के लिए। इलेक्ट्रिक गिटार के लिए दो चीज़ें हमेशा चाहिए होती है जिसके बगैर आउटपुट आएगा ही नहीं। फर्स्ट है आपके लिए गिटार एम्पलीफायर होना चाहिए, मस्ट है, एंड एक अच्छा डेडिकेटेड केबल होना चाहिए। अगर आप प्रोसेसर भी यूज़ करें तो आपको दो केबल तो चाहिए ही होंगे। कई सारे अच्छे एंट्री लेवल ऑप्शंस जो मुझे दिखे हैं अबाउट ऑल गिटार्स एंड प्रोसेसर जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, सो आप अपना टाइम, पैसा और एफर्ट बचा सकते हैं। ऑल्सो ऑनलाइन परचेजेस का आजकल एक फ़ायदा और है कि 10-day रिटर्न पॉलिसी के साथ आती है मोस्टली। सो अगर इनकेस आपका कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलता है
और आप चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट है, आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कई सारे टिप्स मिले हैं जिससे कि आप खरीद सकते हैं अपना फर्स्ट गिटार ऑनलाइन। इनकेस आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें एंड बेल दबाएं। कमेंट करना कोई रिक्वेस्ट हो एंड फॉलो मी ऑन दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।